4444। आज का शुभ संदेश, जबान में अमृत और जहर दोनों है। देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है कि अमृत और जहर दोनों साथ रहते हैं। अरे हमारे तो इस दुनिया का नियम है कि एक वस्तु में असंख्य जो है विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। जब वह वस्तु जो है वह अस्तित्व होता है तो हमारा जो जबान है उसके अंदर अमृत कैसे है? आप मीठे वाली बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए और सबका आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। मीठा बोलो, थोड़ा बोलो, टॉन्टिंग भाषा मत बोलो, अहंकारी भाषा मत बोलो, विनयशील भाषा बोलो, सबका सम्मान करो, मन में किसी के प्रति बुरी भावना मत रखो, और सबसे बड़ी बात है अपने में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखा जाए जो अहंकार पैदा करता है। तो अमृत झरना चालू हो जाएगा। पूरे विश्व में कहीं चले जाइए, सभी आपके मित्र हो जाएंगे। भाषा थोड़ी जाननी जरूरी है। अब देखिए जहर कि आपकी पत्नी है जो कि आपकी जीवन भर साथ रहती है, आप उसको मिनट मिनट के अंदर फटकारते रहते हो, मिनट मिनट में उसकी कमजोरियां निकालते रहो, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अब ऐसा वैसा कोई मापदंड नहीं होता है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और किसी, ये मानव प्रकृति है, उसको प्रोत्साहन दोगे तो अच्छा कार्य करोगे, उसको निरुत्साहित करोगे तो वह जो है आपसे अलग होता जाएगा। और ये तलाक इसलिए होते हैं, एक दूसरे के विचारों का सामंजस्य नहीं करने से तलाक होता है, वहाँ जहर की स्थिति हो जाती है। तलाक की स्थिति जहर की स्थिति होती है। तो जो जहर का खाना है जबान में उसको काट दीजिए, और अमृत का खाना है उसको डेवलप कीजिए, उसको बिल्कुल अलग कर दीजिए, कटआउट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम जबान का अच्छा उपयोग करके अमृत पैदा कर सकते हैं, दुरुपयोग करके जहर पैदा कर सकते हैं।